नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। थाना कोतवाली नगर पुलिस की छापेमारी, डाबर पुदीन हरा तथा डाबर आमला तेल की नकली कारोबार का भंडाफोड़। एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली डाबर पुदीन हरा तथा डाबर आमला तेल की खाली व भरी शीशी रैपर आदि बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र के किदवई नगर में डाबर पुदीन हरा तथा डाबर आमला तेल की नकली कारोबार करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 8 जून को डाबर इंडिया कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर दुष्यंत सिंह तथा उनके सहयोगी वेद प्रकाश दुबे पुत्र स्वर्गीय राम प्रकाश दुबे निवासी भजनपुरा नई दिल्ली द्वारा थाना कोतवाली नगर पर इस आशय की सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा शहर के मोहल्ला किदवई नगर में नकली डाबर पुदीन हरा तथा डाबर आमला तेल का कारोबार किया जा रहा है। पूर्व से प्राप्त सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी पटियाली गेट श्री अनुज शर्मा द्वारा पुलिस बल के साथ मोहल्ला किदवई में प्रशांत नामक परचून विक्रेता की दुकान से 295 नकली पुदीन हरा की शीशियां बरामद की गई। साथ ही अभियुक्त की निसंदेही पर उसके पारिवारिक चाचा स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह के घर से शेष माल 705 नकदी डाबर पुदीन हरा की भरी हुई शीशी व 6700 नकली कूट रचित रैपर जिन्हें असली के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, साथ ही 82 खाली शीशी डाबर आमला तेल की बरामद की गई। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभी तो गिरफ्तार किया गया, सर क्या है बिरोना? जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक क्रिमिनल इंटेलिजेंस के आधार पर छापेमारी की है, जिसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो डाबर पुदीन हरा ब्रांड के कॉपीराइट का उल्लंघन करके नकली पुदीन हरा की शीशियाँ तैयार करते थे और तमाम डाबर पुदीन हरा ब्रांड के रैपर वगैरह भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध 420 IPC का और कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली नगर में दर्ज किया गया है। पूछताछ पे इन आरोपियों द्वारा अपना जुर्म पूर्ण किया गया है, इनको न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं।